हाल हैं आप? उम्मीद है आप सबकी तबीयत खैरियत से होगी। आज बहुत अच्छी रेसिपी बनाने हम आपके सामने आए हैं और वो है गोभी चिकन। गोभी चिकन आपको बहुत पसंद आएगी, मेरी वाइफ बनाएंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं, सामने देखें, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर, सात से गरम मसाला और नमक शामिल है, धनिया, हरी मिर्चें, चार प्याज बारीक और लंबी कटी हुई फ्रेश, चार बिल्कुल बारीक चौपके हुए टमाटर हैं, आप देख सकते हैं, फ्रेश फूल गोभी आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है। चिकन आधा किलो आपके सामने है। बहुत प्यारी रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप रमज़ान में बनाएं, रमज़ान माशाल्लाह शुरू हैं कल से, और बहुत अच्छी रेसिपी है, बना सकते हैं आप, और जब आपका अफ्तारी में भी खाने के साथ रख सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। देखें, उन्होंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है, उसके बाद अब उन्होंने प्याज डाली है, प्याज को बिल्कुल नॉर्मल ब्राउन किया है उन्होंने, उसके बाद उसमें टमाटर डाल दिए उन्होंने जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए थे, और ये देखें अब उसके बाद वो उसको भून रही हैं, और अच्छी तरीके से भूनने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट बाद उन्होंने तमाम जितने भी मसाले जो मैंने आपको बताए थे, याद रखिएगा, वो तमाम उसमें उन्होंने डाल दिए हैं, अदरक लहसुन का पाउडर, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब उन्होंने उसमें डाल दिए हैं, और ये सब 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून था, और अब देखें उसके बाद उन्होंने उसमें चिकन डाला है। चिकन डालने के बाद अब वो उसको अच्छी तरीके से माशाल्लाह से मिक्स कर रही हैं, ये देखें अच्छी तरीके से उसको मिक्स किया है और उसको भून दिया है, और माशाल्लाह उसके बाद उसमें उन्होंने गोभी डाली है, और अब गोभी डालने के बाद वो देखें आप उसको अब उसमें, ये देखें आप माशाल्लाह से उन्होंने लाया, उसमें आलू भी डाले हैं, और बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, आप बड़े भी शौक से खाएंगे, डिफरेंट है बिल्कुल। फिर उसके बाद हरी मिर्चें उन्होंने डाल दी, इंशाल्लाह रमज़ानों में भी हम आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, चाट और फ्रूट चाट, और इंशाल्लाह ताला कल से रोज़ा है, और ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त उन्होंने अब हरी मिर्चें डालने के बाद 1 कप पानी डाला है, अब उसके बाद उन्होंने उसमें हरा धनिया डाल दिया है, और ये देखें आप माशाल्लाह अब उसको मिक्स करेंगी अच्छे तरीके से। ये देखें तैयार हो चुका है गोभी चिकन, कितना प्यारा लग रहा है गोभी चिकन। उसमें आलू आप डालें या नहीं डालें, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट दीजिएगा व्यूवर्स। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह रमज़ानों में। बाय बाय।